खाद की समस्या को लेकर एक बार फिर किसान परेशान है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूपी के हमीरपुर जिले के सरीला तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। उनके आरोप है कि किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण उनकी बुवाई में देरी हो रही है। किसान लंबे समय तक लाइनों में खड़े रहते हैं, फिर भी खाद नहीं मिल पा रही है। इस समस्या से परेशान होकर किसानों को महंगे दामों में खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सपा कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपते हुए किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को अगर नजरअंदाज किया जाता है तो वे लगातार आंदोलन जारी रखेंगे। आज जो किसानों के सम्मान में हम सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो धरना दिया है, तो जो ज्ञापन दिया है, उससे हम उम्मीद करते हैं कि जो किसान हमारे परेशान है और रोज लाइनों में लगे हुए हैं, ना सर्दी देखते हैं ना और भी समय बर्बाद हो रहा है, उसके लिए खाद उन्हें पर्याप्त दी जाए। क्योंकि ये इतनी जुमलेबाजी सरकार है कि जब बुवाई का समय आता है तो टाइम से बीज नहीं मिल पाता, सिंचाई का समय आता है तो टाइम से पानी नहीं मिल पाता, बिजली नहीं मिल पाती है। आज जो बुवाई का समय चल रहा है, आज ये खाद भी उपलब्ध नहीं हो रही है, इसलिए हम इस सरकार से मांग करते हैं और जो आज हमने ये धरना दिया है, इससे हमें आश्वासन दिया गया है कि खाद दी जाएगी। नेशन मिरर के लिए बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ स्वनेश कुमार की रिपोर्ट।